जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि टैली को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और हमने आप लोगों को टैली का एक इंटरफेस दिखाया था जो कि कुछ ऐसा था। जिसमें लिखा था लाइसेंसिंग ऑपरेशन, लॉग इन एज रिमोट टैली, वर्क इन एजुकेशनल मोड और क्विट, ठीक है। तो हम लोग किस में प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग करते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड को हाईलाइट कर लेंगे चाहे एरो की से चाहे माउस से, ठीक है। वहाँ पे हाईलाइट करने के बाद इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद आपका एक ऐसा नया इंटरफेस ओपन होगा जिस पे लिखा होगा कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो मतलब कंपनी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट कंपनी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टैली में पहले से कोई कंपनी क्रिएट नहीं है। तो जब कोई कंपनी क्रिएट नहीं है तो हम लोग सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। तो आइए हम लोग क्रिएट कंपनी पर आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है, ठीक है। क्रिएट कंपनी ओपन करने पर सबसे पहले है डायरेक्ट्री। डायरेक्ट्री में वो एड्रेस लिखते हैं जिस एड्रेस पे इस सिस्टम में, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, टैली इंस्टॉल्ड है और उस एड्रेस पे आपका वो कंपनी बनेगी जो आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और नेम, नेम जिस नेम से आप कंपनी बनाना चाहेंगे, हमने लिख दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद ये मेलिंग नेम आ जाएगा। मेलिंग नेम क्या होता है, मेलिंग नेम वो नेम होता है जिसमें आप जब प्रिंट करते हैं कोई भी रिपोर्ट तो मेलिंग नेम में, मेलिंग नेम में वो नेम प्रिंट होके आता है जो आप मेलिंग नेम में लिख देंगे। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नेम और मेलिंग नेम हमेशा सेम होता है। अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे मान लीजिए नेम में फुल फॉर्म हो कंपनी का और मेलिंग नेम में आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जब आप रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो जो नेम आप मेलिंग नेम में लिखेंगे वही आएगा, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में हम वो एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे वो कंपनी हमारी इस समय सिचुएटेड है या ओपन है, ठीक है। आइए एड्रेस हम लिख लेते हैं 123-09 इलाहाबाद, ठीक है। अब एड्रेस अगर बहुत बड़ा है तो दो फील्ड में लिखिएगा, नहीं तो फिर नीचे आ जाएंगे कंट्री में। कंट्री इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट हमारी है, ठीक है। अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आप इंडिया के बाहर अपनी कंट्री डालेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। स्टेट हमने इलाहाबाद लिखा है तो इलाहाबाद का स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और आप जिस भी शहर में हैं तो आप अपना शहर और अपना स्टेट लिख सकते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड वो कोड लिखेंगे जिस एरिया में आपकी वो कंपनी है उसका पोस्टल कोड लिखेंगे, ठीक है। हम लिख देते हैं मान लीजिए, ठीक। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में कंपनी का फ़ोन नंबर लिखेंगे, मतलब कि लैंडलाइन नंबर कंपनी का, ठीक है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर कंपनी का लिख देंगे जो कि 10 डिजिट का होता है। इसके बाद फैक्स नंबर, फैक्स क्या होता है दोस्तों, देखिए फैक्स वो होता है जैसे कि हम स्कैन कॉपी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसका भी नंबर होता है दोस्तों 11 डिजिट का, ठीक है। तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। वैसे आजकल फैक्स काम नहीं करता है, फैक्स की जगह क्या काम करता है, ईमेल, ठीक है। उसके नीचे आ जाएगा ईमेल। ईमेल जैसे आप लोग अपना ईमेल बनाते हैं गूगल पे, जीमेल पे, वैसा ही एक कंपनी का भी होता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस जिससे आप क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी आप क्वेरी करना चाहें उस कंपनी से रिगार्डिंग तो आप उस पर कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इसमें लिख देते हैं abcprivate.gmail.com,
abcprivate@gmail.com, ठीक है। ठीक, इसके बाद उस कंपनी की कोई वेबसाइट होगी, जैसे कि आप लोग वेबसाइट के बारे में जानते हैं, जो कि कैसे शुरू होती है, www, वर्ल्ड वाइड वेब से, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी एक वेबसाइट बनाई होगी जिस पे कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, ठीक है, जो लोगों को जानना है उस पे आप कुछ भी ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आपको किस पे भेजना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। आइए मान लीजिए, ठीक है, www.abclimited.com, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिन। फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका वित्तीय वर्ष कब से शुरू हो रहा है, तो हमेशा वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है। हम लोग इस समय 2020 में हैं, तो वित्तीय वर्ष हमारा क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल रहने देंगे। बुक्स बिगनिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम वो डेट लिखेंगे जिस दिन से हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना शुरू किए हैं, ठीक है। इससे नहीं मतलब कि फाइनेंशियल ईयर कब से है, हो सकता है फाइनेंशियल ईयर आपका हमेशा 1 अप्रैल रहता है, पर आप कंपनी आपकी इस्टेब्लिश हुई हो 1 जुलाई को, या आप कंपनी पहले इस्टेब्लिश हो, बुक आप 1 जुलाई से बना रहे हो, तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आप वो डेट डालेंगे जहाँ पे जब से हम उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना शुरू किए हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी कंट्रोल है, यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसी पासवर्ड को रिपीट कर देंगे, और सिक्योरिटी कंट्रोल यस करना है कि नो ये आप यहाँ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, करेंसी सिंबल, ये फॉर्मल नेम इंडिया है तो INR, ठीक है। सफिक्स मतलब होता है उसके सिंबल पीछे लगना, तो इसमें लिखा है कि नहीं, स्पेस अपने से रहेगा, मिलियन में नहीं शो करना है, डेसिमल 2 पैसे रहेंगे, और ये इतना करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछेगा कि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है आप इसको एक्सेप्ट कराना चाहते हैं कि नहीं, तो यस के लिए इंटर और नो के लिए एस्केप। एस्केप एक की होती है आपके कीबोर्ड में जो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे ESC से होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमें एक्सेप्ट कराना है, जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे, देखिए अब एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है, गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। और आपका लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो बोर्ड में लिखी हुई है, और वो आपका ओपन है, ठीक है। तो अब आपका जो ये इंटरफेस है गेटवे ऑफ टैली, इसमें जो भी आपके इन्फॉर्मेशन दी है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट, ये सब आपका किससे रिलेटेड है, ABC प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा दोस्तों, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली, ठीक है। अब आइए हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर या एडिट, कैसे उस कंपनी को एडिट करें या ऑल्टर करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt F3 प्रेस करेंगे, ठीक है। उससे हम कहाँ चले जाएंगे, कंपनी इन्फो में। देखिए आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पे नीचे से दूसरा देखिए लिखा है Alt F3, F3 नीचे एक अंडरलाइन है, एक अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट, अगर दो अंडरलाइन होता तो उसका मतलब होता कंट्रोल, ठीक है। तो एक अंडरलाइन है तो हम क्या करेंगे, Alt+F3, देखिए जैसे ही हमने Alt+F3 दबाया तो हमारे 2-3 ऑप्शन आ गए, जैसे कि शट कंपनी और ऑल्टर कंपनी, ठीक है। ऑल्टर मतलब होता है जो कंपनी ओपन है उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन एडिट करना, ठीक है। मान लीजिए हमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो चेंज हो गई, कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गया, तो हम किस में जाएंगे, ऑल्टर कंपनी में जाएंगे, इंटर करेंगे, और फिर कंपनी पूछा कि फिर इंटर करेंगे। अब देखिए हम इसमें आ गए, हमने क्या कहा आपसे कि हमारी कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, भाई लोकेशन बदल गई, तो हम इसमें एड्रेस चेंज कर देंगे, ठीक है। तो एड्रेस बस चेंज करना था। अब मान लीजिए जैसे आपने एड्रेस चेंज कर दिया, तो या तो आप एक एक इंटर करते जाएंगे तब जाके नीचे एक्सेप्ट पे पहुंचेंगे,
तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आपको कोई और चेंजेस नहीं करने हैं तो आप सीधे एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जिसको कहते हैं कंट्रोल ए, ठीक है। उससे क्या होता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सेव हो जाती है, ठीक है। देखिए हमने जो ऑल्टर किया था उसको सेव कर लिया, अब इंटर करेंगे, देखिए एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए कंट्रोल ए, फिर स्किप, बैक आने के लिए स्किप करेंगे, ठीक स्किप। तो हमने अभी क्या सीखा, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको ऑल्टर करते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि जो कंपनी ओपन है, जैसे कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ABC प्राइवेट लिमिटेड ओपन है, उसको कैसे बंद करना है, ठीक है। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शट कंपनी का, ठीक है। तो शट कंपनी पे आएंगे, इंटर करेंगे और फिर इंटर करेंगे। देखिए अब आप लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कंपनी बंद हो गई, ठीक है। जो कंपनी ओपन थी वो बंद हो गई। अब हम लोग सेलेक्ट कंपनी पे भी जा सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी पर जाएंगे तो वो कंपनी देखिए बनी हुई है, ठीक है। और उसको सेलेक्ट आप करेंगे तो वो कंपनी ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।